नमस्कार, आप देख रहे हैं जेक 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो बूथ कार्यकर्ता हैं और उनके नेता हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। ऐसे में देख सकते हैं कि कैसे जो नेता हैं बीजेपी के या जो कार्यकर्ता हैं बड़े शक्ति के साथ काम करते हैं, वो किस तरह से प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए, सुनने का काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को और उनके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। और लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो 2024 की तैयारी है वो इस मेरा बूथ सबसे मजबूत को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी, आज प्रधानमंत्री मुकेश जी आज प्रधानमंत्री जी मेरा बूथ सबसे मजबूत को संबोधित कर रहे हैं, उत्साह उनका बढ़ा रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं, कितना लग रहा है ताकत मिलती है इन चीज़? देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम है मेरा बूथ सबसे मजबूत, पूरे भारत में मोदी जी को 10 लाख जो अभी बताया कि 10 लाख कार्यकर्ता हमारे सुन रहे हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, और जो भोपाल में हमारे 4900 करीब कार्यकर्ता जो हैं वो सुन रहे हैं डायरेक्ट, तो इससे बहुत ही मजबूती हमारे बूथ लेवल कार्यकर्ता को बहुत ही उत्साह मिल रहा है, बहुत ही ऊर्जा का हमारे अंदर संचार हो रहा है, मैं तो यही कहूँगा। लग रहा है कि अब धीरे धीरे जिस तरह से इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, लग रहा है कि अब 2024 की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, 2024 की तैयारी तो है ही है, भाजपा का तो हर कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार ही रहता है, मतलब हम चुनावी मोड में ही रहते हैं। तो हमारी 2024 में पिछली बार हम 303 सीट जीत के आए थे, तो अब की बार हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम 350 सीट जीतेंगे। ये हमें बूथ के सभी कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास है, बूथ सबसे मजबूत होना चाहिए और उसी की शक्ति बनते हैं। हमारे साथ एक बार शुभ नाम आप। डॉक्टर रामरतन गुप्ता, शक्ति केंद्र प्रमुख, डीपीएस स्कूल सेक्टर 11। आज प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं 10 लाख कार्यकर्ताओं को, बूथ को मजबूत कर रहे हैं, लग रहा है कि अब चुनाव की तैयारी करने लिए चाहिए। बहुत अच्छी तरह से और आनंद आ रहा है, इस तरह से जोश आ रहा है, ताकत मिल रही है हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान के द्वारा। हम सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मुख्य रूप से 2024 में 350 सीट लेके आने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़े मुख्यमंत्रियों की बैठकें हुई, सचिवों की बैठकें हुई, जो कहा भी, लेकिन बूथ की बैठक कितना इम्पोर्टेंट रखती है, कैसे मजबूत जो है बूथ होना चाहिए? मेरा बूथ सबसे मजबूत, जब बूथ मजबूत होगा कार्यकर्ता उससे जुड़ेंगे तो वोट भी अच्छी तरह पड़ेंगे और वोट भारतीय जनता पार्टी के ही फेवर में जाएंगे। सभी जो सुन रहे हैं, क्या कुछ सुन रहे हैं, कैसे जोश देख रहे हैं प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के बाद? बहुत अच्छा जोश है, सब लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं पहले से भी और आगे भी अच्छा काम करेंगे, बिल्कुल एकदम और नया उत्साह है। हाँ, नया उत्साह है बिल्कुल। 10 लाख आज कार्यकर्ताओं को जो है मंडलों को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं को, पूरे जो नेता हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, कितनी ताकत मिलती है? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, हमको ऊर्जा मिल रही है इससे। देश में 10 लाख कार्यकर्ता इस समय जुड़े हुए हैं और लाइव प्रधानमंत्री जी के एक एक शब्द को सुन रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमको उत्साह प्रदान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इससे मजबूत हुई है। लग रहा है कि चुनावों की तैयारी में जुट जाएंगे? देखिए, कार्यकर्ता हमारे बीजेपी के चुनाव की तैयारी में ही रहते हैं और प्रधानमंत्री जी हमको समय समय पर ऊर्जा देते रहते हैं, हम उनकी बातों का अनुसरण करते रहते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। बूथ को कैसे मजबूत करेंगे सब मिलकर? हम सभी लोग मिलकर के अपने बूथ स्तर तक सभी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और अपने वोटर्स को समझाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 9 साल काम किए हैं उनको हम प्रचारित प्रसारित करेंगे, जिससे वोटर्स समझेंगे हमारी बात को। यही मेरा बिल्कुल देखिए, यही जो है बैठे हैं। एक बार शुभ नाम आपका बताओ। मेरा नाम तेज सिंह सैनी है, मैं बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा हूं और हम माननीय प्रधानमंत्री की आज भोपाल से जो लाइव मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को माननीय नरेंद्र गुप्ता जी के कार्यालय में सभी बैठ करके सुन रहे हैं और उनके जो टिप्स हमारे कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं उन पर हम ध्यान से सुन रहे हैं और उनको आगे उसी को आगे प्रचार करने के लिए हम आगे तत्पर हैं और पूरे हमें विश्वास है कि हमारा अगर बूथ मजबूत है, बूथ से फिर हमारा विधानसभा क्षेत्र मजबूत होगा और उससे लोकसभा क्षेत्र मजबूत होगा, उसी के क्रम में
हम आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले कार्यकर्ता का काम है कि अपने बूथ को मजबूत करे, अपने घर को मजबूत करके चलेगा तो पूरी हमारे देश मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी। इसी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी को हम सुन रहे हैं। वही कार्यक्रम आज रखा गया है और सुबह से ही जो है कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को सुनने के लिए अलग अलग दफ्तरों में पहुँच रहे थे और 10 लाख जो है ऐसे लोगों को, उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं और मजबूती के साथ 2024 की तैयारी कह सकते हैं कि अब जब मेरा बूथ मेरे सबसे मजबूत कार्यक्रम को संवाद के तौर पर आज प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि 2024 की तैयारी शुरू कर दी गई है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेक 24/7 न्यूज़। नमस्कार।